अब जब बात होती है मिस्ट्रीज या फिर रहस्यों की, तो उनमें एक नाम जो कि सबसे पहले और सबसे ऊपर आता है वो है इजिप्ट का और उनके पिरामिड और उनकी ममीज का। लेकिन आज मैं इजिप्ट के पिरामिड या फिर उनकी ममीज के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी रियल ममीज के बारे में जिनकी बॉडीज सैकड़ों साल के बाद भी अभी तक सही सलामत हैं। तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। सेंट जीटा। तो सबसे पहले मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो है सेंट जीटा। सेंट जीटा एक इटालियन थी और एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, और 12 साल की उम्र से ही उन्होंने हाउस होल्ड का काम करना भी शुरू कर दिया था दूसरों के घर में। जीता की बॉडी को ल्यूका में सैन फ्रेडियानो बेसिलिका में रखा गया था। 1272 जब जीता की मौत हुई थी तो उनके घर के ऊपर एक तारा दिखाई देने का लोग दावा करते हैं। 1580 में जब उनकी बॉडी को खोद के बाहर निकाला गया तो वो एकदम सही सलामत थी, और उसके बाद 1696 में उन्हें सेंट घोषित कर दिया गया था। ला डोंसेला। 1999 में इस मम्मी को एक एक्टिव वॉल्केनो के पास एक माउंटेन के ऊपर पाया गया था, जो कि एक 15 साल की लड़की की है जिसको सैक्रिफाई किया गया था। काफी ज्यादा ठंडे मौसम की वजह से उस लड़की की बॉडी जम गई थी और पिछले 500 सालों से आज तक सेफली रखी हुई है। जॉन टॉरिंगटन। 1846 में एक ऑफिसर जॉन टॉरिंगटन, जो कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज में लगे हुए थे, और इसी दौरान उनकी मौत हो गई थी। मौत के वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी और उनकी बॉडी को कनाडा के एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। 1984 में जब टॉरिंगटन की कब्र को शिफ्ट करने के लिए खोदा गया तो सब हैरान रह गए, बिकॉज उनकी बॉडी इस टाइम पर भी एकदम तरोताजा और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही दफनाई गई हो, और इस बारे में उस टाइम पर मीडिया में भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। डेशी डोरजाहो इटीग्लोव। इटीग्लोव एक बुद्धिस्ट थे जो कि एक रशियन थे, और मोस्टली हर टाइम वो ध्यान लगाए रहते थे, और 1927 में इसी पोजीशन में उनकी मौत भी हो गई थी, और उनकी मर्जी के हिसाब से ही उन्हें उसी पोजीशन में दफनाया भी गया था। फिर 1955 में जब उनकी कब्र को दोबारा खोला गया तो सब ये देख करके हैरान रह गए कि उनकी बॉडी ठीक उसी पोजीशन में और सही सलामत थी जैसे उसे दफनाया गया था। रोसालिया लोम्बार्डो। इटली के पैलेर्मो शहर में एक 2 साल की बच्ची रोसालिया लोम्बार्डो की बॉडी आज भी सेफली रखी हुई है, जिसकी मौत 1920 में हुई थी। इस लड़की के पिता ने अपनी बेटी की बॉडी को सेव करने के लिए एक एक्सपर्ट की हेल्प ली थी। उस एक्सपर्ट ने अल्कोहल, ग्लिसरीन और कुछ एसिड्स की हेल्प से एक ऐसा केमिकल तैयार किया था जिसकी हेल्प से उस लड़की की बॉडी आज भी सेफली रखी हुई है। तो बस यार फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो यार अगर आपने वीडियो में देखकर कुछ भी नहीं ऐसा सीखा, इंटरेस्टिंग लगा या मज़ा आया, तो यार शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड। I'm not